इंतहाई काबले एहतराम नासरीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, तुर्की से पाकिस्तान और भारत के मुतलिक बड़ी अहम खबर निकल कर सामने आई है। दोस्तों, तुर्की और भारत के दरमियान इस वक्त हालात कशमकश का शिकार है, लेकिन अब जो खबर तुर्की से पाकिस्तान के मुतलिक निकल कर सामने आई है, इसे यकीनन तुर्की को लेकर भारत के गुस्से में इजाफा होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो तुर्की की इंतहाई जदीद हेलीकॉप्टर T-129 से मुतलिक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कब हेलीकॉप्टर पाक फौज में शामिल होने जा रहा है। दोस्तों, इससे मुतलिक तुर्की की जानिब से तमाम तर तफसीलात सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, 2018 में तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान 40 के करीब जदीद तरीन T-129 हेलीकॉप्टर को खरीदारी का मुआहदा हुआ था, मगर ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को ना मिल सके, जिसकी बड़ी वजह इन हेलीकॉप्टर का इंजन अमरीकी साख्ता होना था। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान T-129 का मुआहदा होते ही भारत के दबाव पर अमेरिका को T-129 के इंजन की फरामी रोक दी गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये इंतहाई जदीद हेलीकॉप्टर ना मिल सके। मगर अब ये खबर निकल कर सामने आई है कि तुर्की की जानब से मुकामी सतह पर तैयार करदा T-129 हेलीकॉप्टर के इंजन तैयार कर लिए गए हैं, जिसके बाद इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि 2021 के आगाज में पाकिस्तान को इन हेलीकॉप्टर की फरामी शुरू हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को करें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि दुश्मन को पता चल सके कि वाकई ही तुर्की पाकिस्तान को ये जदीद तरीन हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। दोस्तों, इस बारे में मुझे आपने अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करना है, ताकि दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ पंगा लेना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के पास ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि सिर्फ एक बटन प्रेस करने की देर है, दुश्मन मुल्क मट्टी का ढेर बन जाएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त उस्मान अली को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नेकी पान।